कहाँ के लिए तैयार हो रही है? सास बहू की जोड़ी कहाँ जा रही है आज? बैग वैग टांग के चाट वाट खा के मम्मी शॉपिंग करवाने ले जा रही हूँ। मैं तो हमेशा ही कहूँ मम्मी की लाडली बहुत हुई है तो ये शॉपिंग करा। कुछ तो जितने साल मेरी शादी हो गए जितने तो मैं अपनी मम्मी के साथ में रही हूँ तुम्हारे साथ रही हूँ। हाँ। मम्मी को एक कहती तो मेरी भी एक गर्ल शादी करवा रही थी मेरी मैं यहाँ कपड़ा दूंगी तुम भी शॉपिंग करो बाल करने देख लो बच्चे ने भी देखूंगी और खाने के लिए खाने को तैयार कर ले ठीक है और बताओ मैम सब। हाय गाइस हैप्पी नवरात्रि नवरात्रि जय माता दी। अच्छा मुस्कुरी मुझे मुंह लगे तुम्हारी तो बात कर रही हूं। हैप्पी नवरात्रि जय माता दी। क्या बनना है खाने में? आलू की सब्जी तो किया तो पूरी बनाऊंगी या पराठे बनाऊंगी और रायता खीर। कल थे पकौड़े आज बना रही है रोटी या पूरी सब्जी? सब्जी तो बन रही है ऐसा दे रहा हूं पूरी बन जाएगी मेरी ले जी बन गई। कल चल रही है घर फरीदाबाद? फरीदाबाद घूम जाएंगे तो यहाँ व्रत है मम्मी का मेरा सब कर जाएंगे। तू बता तू बता चली जाऊँ ना मुझे तो चाहिए नवरात्र कल जाएंगे। तो गाइस कल मैं जा रही हूँ घर वापस मम्मी कल डिस्चार्ज हो जाएंगी सो हम जा रहे हैं। हमने ये तो नहीं जा रही। तो अभी हो गया है शाम की आरती का टाइम शाम की भी जो जला दी और अब चलेंगे ऊपर खाना खाने। खाना बन गया था ऊपर तो नवरात्रों में भी हम इस टाइप का ही खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि लहसुन प्याज थोड़ा डलता है नहीं कि सभी खा लें जैसे आलू की सब्जी है वो टमाटर वाली ही डलती है तो सब मोस्टली वही खा लेते हैं। खीर खा लेते हैं रायता भी और जिनका फास्ट है उनके लिए कुट्टू की बन जाएगी बाकी सबके लिए बच्चे जैसे पूरी खाएंगे या रोटी तो उनके लिए नॉर्मल बन जाएगी क्योंकि फास्ट में कोई भी खाना बनाओ अपने लिए भोग का प्रसाद का और जब वो भोग लग जाता है तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और बच्चों को तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है कम मसाले वाला। गाइस हमारा डिनर बन गया आज है कुट्टू के पराठे रायता दही है शायद और आलू की सब्जी और खीर। हाँ पकौड़े के अलावा पराठे भी बनते हैं कचौड़ी बनती है पूरी भी बनती है। आटा थोड़े लगाया थोड़ा ही बनाएगा दो दो रोटी में थोड़ी थोड़ी मंडा है फिर एक खाना खा लो खाना खा लो कन्या माता ठीक है ले जाओ खाना खा ले। मैं ओ तुम्हारी 8 बजे का आएगी चाय घर पे जाके चाय पी ना 8 बजे चाय चाय मैं एक रोटी खा ले खा ले एक पराठा ऐसे ही कैसी रहेगी ये ना नवरात्रि में करेंगी ये डाइटिंग सारी। हाँ खा ले कैसे बना प्रिया आप फिर सो मैं आ गई थी नीचे खाना वाना हो गया और डीवा को नींद आ रही थी तो मैं ले आया उसको नीचे और देखे पीछे हमारा है दरबार और वहाँ पे चल रही है जोत अभी तक। हाय गाइस वेलकम बैक टू राशि डेढ़ हाउस ब्लॉग कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे सेफ होंगे हैप्पी नवरात्रि। सो आज है 3rd नवरात्रि आज एक गुड न्यूज़ थी मम्मी आज हो रही थी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है मम्मी डिस्चार्ज तो मुझे जाना था आज घर 5-7 दिन के लिए घर जा रही हूँ मैं तो मैंने सोचा चलिए घर चलते हैं मम्मी के पास रह के आते हैं थोड़ा बहुत काम वाम दिखवाते हैं वहाँ पे। पर फिर क्या हुआ आज दीदी वगैरह को जाना था मार्केट सो वो लोग जाएंगे मार्केट आगे दिखाऊंगी क्या लेने जा रहे हैं बहुत बड़ी शॉपिंग करने जा रही हैं दोनों पापा को सो आज नहीं जा पाई मैं कल जाऊंगी मैं घर। आप सब में से किस किस ने पूरे पूरे फास्ट करे बताना ज़रूर इस बार मैंने भी पूरे फास्ट रखे हैं बहुत दिन बाद लाइक एक साल हो गया मुझे छोड़े हुए क्योंकि पूरे नहीं रख पा रही थी पहला आखिरी डीवा मतलब प्रेगनेंसी फिर डीवा छोटी यही सब चलता रहा तो अब रखे हैं मैंने एक बार इस बार पूरे नवरात्रे और बहुत अच्छे से मेरे फास्ट जा रहे हैं। तो कहाँ के लिए तैयार हो रही है सास बहू की जोड़ी कहाँ जा रही है आज? बैग वैग टांग के चाट वाट खा के मम्मी शॉपिंग करवाने ले जा रही हूँ। मैं तो हमेशा ही कहूँ मम्मी की लाडली बहुत हुई है
तो ये शॉपिंग करा कुछ तो फायदे है बड़ी चला दिया बड़ी बहू है तेरे तो ज्यादा टाइम साथ दिया होगा अच्छा तो ये नुकसान जितने साल मेरी शादी हो गए हम में जितने तो मैं अपनी मम्मी के साथ में रही हूं तुम्हारे साथ रही हूं हां होता है कितने 18 साल हुए हैं भाई मम्मी को तो 4-4, 5-5, 6 और फिर जब हम स्कूल कॉलेज चले जा रहे यहाँ आए तो मम्मी साथ तो हमेशा ही रही हूँ पूरे पूरे टाइम मम्मी को एक अकेले तो मेरी भी एक गर्ल शादी करवा रही थी मेरी भी मैं किस नंबर तू जो ज्यादा छोटी मेरी अभी 18 साल हो जाते नुकसान तो ना झेलना पड़ता तो मम्मी दिवा के ला रही है यहाँ है क्या ये मम्मी बेटा दिलवाए ये कड़े मम्मी कह रही ना बदल के बड़े ले ले फायदा है मैं अपनी बहू को रखूंगी हम भी दे देंगे अपनी बहू को ऐसी कोई बात ना हो रिन्यू करवा के फिर हम दे देंगे मेरे लिए लिए लगता वक्त को अच्छा से देख जाता ऐसी चीज बोले लगते वक्त चलो छोटी मोटी लिया मैं ऐसी तो मुझे हैगी छोटी मोटी लाई हूँ मम्मी पहले लग गई या सीधी करके कुछ आंधी की या सीधी तो कर मेरी वाली है ऐसी चलो देखते हैं आज ये क्या लेके आएगी ठीक है दिखा डिजाइन दिखा अभी इसका तो ना ये तो नॉर्मल है वाका ये भी नॉर्मल सिंपल ही तो तुमने बहुत ज्यादा लेट ना कर दी 3:15 हो रहे हैं ऐसे ही लीजिए ले तो डिजाइन तो यूं लूंगी इनमें बड़े बड़े इनमें ही बड़े लूंगी डिजाइन चलो ठीक हो जा रहा है तो कपड़ा उपड़ा डाल दिए चल रहे ठीक है मैं यहाँ कपड़ा दूंगी तुम शॉपिंग करो बाल करने देंगे और बच्चे ने भी देखूंगे और खाने के लिए खाने को कुछ तैयार कर ली सब ठीक है और बताओ मैम सब वो कुछ देख लाज भी डोर तुम तो रात होगी फिर गाड़ी में बराबर है फिर क्या कह रहे हो नहीं बहुत तो ऐसे बराबर ही होता हूँ हाँ बहुत तो ना तो कोई कैसे कह रहा है कुछ भी हो ना फर्क दोनों सही हो बात तो फिर फर्क तो यही आ गया वैसे तो फर्क नहीं दीवाने में तो आप आपने छुड़ी दे दूंगी फिर वही बात बेटा सोने की है वे तो सोने की है मम्मी मैं बदल के डायमंड ले ले डायमंड दिवा दो चाहे करो यार नहीं दिवा दो मो या के पुराने दिवा दो चल दे दे ले ले तेरे दे दूं खाते तो बात जिन्हें बदलेगी ना तू तो ये बजट में हो ना अगर मम्मी के बजट में हो तो इन्हें मोकू ले आई मम्मी हाँ तुम बड़े कड़े ला रही हो अच्छा जी का जाएगा आज किन जाएगा आज का ये किसके हैं बकवास कर ले बकवास कर रही हूँ हाँ सुनो खोल के दिखाइए फोन आ गया मेरे पास मैं पूजा हाँ, नन्ना बड़ी आजीज आजी रहे नकली उठा लाई हैं नकली उठा लाई हाँ रामा कृष्ण नकली देगा तो क्या ये तुम नंबर कहाँ मिले तुझे क्या लग रहा मुंह ना लग रहा बर्ती मासीन से कहाँ झूठ बोले सच बताओ देवर भाभी किसके हैं ये तेरे हैं तैने चार लिए होंगे जी हाँ मैं चार ले रही हूँ अलग अलग है देख ले अच्छा तो ये है नए वाले कौन से ये
दोनों ही नए हैं। देखो तो कैसे पुराने से लग रहे हैं। कौन से पुराने? ये पुराने पुराने की फोटो दिखाऊं तो मुंह मत डाल। पुराने की फोटो दिखाऊं? देख पुराने ये है और ये नहीं है। ये पुराने ये नहीं। ये चार कैसे हैं? खरीदे हैं। तुम मांग रहे ये ऐसे ले आई है? खेलते कूदते ही मार्केट गई है ले आई। पर्स है नकली है सच बता। मिकी देख पहले क्या आया। सोच रही हूँ ये नहीं आया ये आया ये देखो सॉरी मिट्टू ये मिकी गए कहना चाहिए। हाँ मुझे भी ऐसे लगा था नकली है ये। आज चप्पल ले क्या? चप्पल ही चप्पल आई तो दिखी तेरी कैसी है? मेरे दिखाओ पहले देखा दी। गाइस ये देखिए मेरी कैसी चप्पल है। तो दीदी बना रही है आज इतने अच्छे मौके पे घटिया की भिंडिया की सब्जी। तो मैं तो ऐसी बनाई घटिया का है। हम दोनों बहनों के आ गए नए नए कड़े। रूपाली देख मेरे नए कड़े कैसे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं आधा घंटा लगा इन बातों पे विश्वास करने में कि ये मेरे लिए भी कड़ी ले आई। बढ़िया लग रहा बढ़िया। आते रूपाली ने लिपस्टिक लगा रखी है। रूपाली मैंने दी लगाई कब लगाएगी? रख दे ठीक है। उन्होंने बहुत सारा सामान दिया साबुन शैम्पू और लिपस्टिक वगैरह। कह रही मैं लगाती तो उन्होंने कोई ना लगाएगा अच्छी लगेगी। देरा, देरा, देरा। क्या हो गया? कौन सी मम्मा पे जाएगी? मेरे पे या बड़ी माँ पे? दूध वाली मम्मा पे जाना है। दूध वाली पे इस पे दूध वाली पे तेरे पे जाना। सो गाइस आज हो गया यहाँ पर बारिश का मौसम है। बहुत तेज़ बारिश हुई होकर अभी रुक गई है। तो रोज़ डेली डेली अलग अलग मौसम हो रहा है। किसी दिन बारिश हो रही है किसी दिन वेदर कैसा हो रखा है। तो अचानक से बारिश हुई काफ़ी ठंडा सा हो गया है। पता नहीं एकदम से गर्मियाँ शुरू हुई और वापस से बारिश वारिश हो गई। मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। तो चलिए गाइस अभी करती हूँ इस वीडियो का मैं एंड। अब सब सो गए हैं मैं भी सो जाती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल जाएंगे घर तो वहाँ के वीडियो ब्लॉग आएंगे कंटिन्यू। आपको मिलवाती हूँ मम्मी से सोनी दी से। तो वही सब आपको वेटिंग रहता है मैं कब मायके जाऊँ कब आपको सोनी दी देखने को मिले। तो वही ब्लॉग मैं आप कंटिन्यू करूँगी वहाँ के ब्लॉग आपको देखने के मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है मम्मी ठीक हो गई हैं तो खूब मज़ेदार ब्लॉग आएंगे खूब मस्ती करेंगे। तो बने रहना ब्लॉग्स में। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर ध्यान रखिए अपना गाइस। बाय बाय गुड नाइट। नींद नहीं आ जा रही है पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ। बाय बाय। Thank you.